सोनम कपूर ने थ्रो किए स्टारी टैंट्रम्स। मीडिया को नहीं, अपनी फैंस को भी नहीं, अपने सबसे करीबी दोस्त पुनीत मल्होत्रा को। वही पुनीत मल्होत्रा जिनको सोनम खुद मीडिया से छिपाती हुई कई बार स्पॉट की गई है। पुनीत के साथ सोनम छिपते छिपाते मिलती भी रही हैं, ये हम आपको काफी बार दिखा चुके हैं। जूम के सोर्सेस ने किया रिवील कि इसी छिपते छिपाते मुलाकात के लिए इस बार सोनम और पुनीत में हो गया है झगड़ा। सोर्सेस बताते हैं कि कुछ दिनों पहले पुनीत कर रहे थे एक एड के लिए शूटिंग। सेट पर सबके सामने पुनीत ने सोनम के साथ बात करना मुनासिब नहीं समझा, तो वो छिपते छिपाते जा पहुंचे वॉशरूम में और लगा दिया सोनम को फोन। पुनीत को लगा होगा कि सोनम से होने वाली उनकी ये बातचीत बाथरूम में तो कोई नहीं सुनेगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जूम के सोर्सेस ने सुन ली ये सारी गुफ्तगू। सूत्रों के मुताबिक फोन पर पुनीत सोनम से मिलने की दरखास्त कर रहे थे, लेकिन सोनम बिजी होने की बात कहकर मीटिंग टालती रहीं। इस पर पुनीत ने अपना आपा खो दिया। सोर्सेस के मुताबिक बात तब और बिगड़ गई जब पुनीत ने सोनम को कह दिया कि वो सिर्फ बहाने बना रही हैं और स्टारी टैंट्रम्स दिखा रही हैं। इन दोनों के रिलेशनशिप में हुई ये नोकझोंक किसी कैमरे में कैद नहीं हुई है, मगर जूम तक पहुंच गई ठीक उसी तरह जिस तरह इनके सो कॉल्ड लव के अपडेट्स हम तक पहले भी पहुंचती रही हैं। जैसे मौसम फिल्म की स्क्रीनिंग में दोनों का एक साथ बैठकर फिल्म देखना, या फिर साथ घूमने जाना, या फिर सोनम को लेकर पूछे गए सवाल पर पुनीत मल्होत्रा का कैमरा छोड़कर शर्मा जाना। आप किस तरह रिएक्ट करते हैं जब कभी चैनल पेपर न्यूज़पेपर में जब भी आपका नाम जोड़ा जाता है कि इसके साथ स्पॉट किए गए, हाइड कर रहे, अपने आप को छुपा रहे? कई बार ये मीडिया में रिपोर्ट हो चुका है और दोस्ती में साथ है तो फिर तकरार भी है, लेकिन इसकी फर्स्ट और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके लिए सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ लाया है जूम।